दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत व टैलेंटेड मॉडल एक्ट्रेस प्रांजल दहिया के बारे में, और साथ ही जानेंगे इनकी स्ट्रगल की कहानी और कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना समय बर्बाद किए। 5 मई 2001 को हरियाणा के सोनीपत में प्रांजल का जन्म हुआ। प्रांजल एक जाट फैमिली से बिलोंग करती है। इन्हें बचपन से डांस करना बहुत पसंद था और प्रांजल की स्पोर्ट में बहुत गहरी रुचि थी। ये अपने स्कूल में होते फंक्शन में अक्सर पार्टिसिपेट किया करती थी और हर बार ये कुछ न कुछ प्राइज जीता करती थी, ऐसा प्रांजल की माँ का कहना है। प्रांजल पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थी। ये करंटली फरीदाबाद में रहती है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डायनेस्टिक पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से कम्प्लीट की है। प्रांजल अभी 20 साल की है और इतनी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे इंडिया में अपनी पहचान बना ली है। ये अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देती है। इनके भाई और बहनों की वजह से हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इन्होंने अपना नाम बना लिया है। इनकी फैमिली में इनकी एक बड़ी सिस्टर भी है जिनका नाम रितु दहिया है और एक भाई जिनका नाम राहुल दहिया है। और अगर बात करें प्रांजल दहिया के मोम डैड की, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। इनके पापा 6 साल पहले ही गुजर गए थे जब प्रांजल 7th क्लास में थी। तब के बाद ये अपनी माँ के बहुत क्लोज थी और इनकी मम्मी का एक ही सपना था कि प्रांजल खूब नाम कमाए। लेकिन इस कोरोना पेंडिक में मदर्स डे वाले दिन ही इनकी मम्मी की भी डेथ हो गई। लेकिन ये अपनी माँ का हर सपना पूरा करना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं प्रांजल ने अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की। प्रांजल ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनानी शुरू की और ये गुलाबी क्वीन के नाम से पॉपुलर होती गई। इन्होंने टिकटॉक पर मिलियंस में फॉलोअर्स बना लिए थे और तभी इनके भाई ने इन्हें वीडियो सॉन्ग का ऑफर दिलाया था। इनका पहला सॉन्ग THM अक्की के साथ आया था और फिर प्रांजल ने हरियाणवी इंडस्ट्री के एक से एक सिंगर के साथ काम किया, जैसे की गुलजार छानीवाला, दिलेर करकिया। और फिर इनका एक नया सॉन्ग आया था जो की सुपर डुपर हिट रहा, जिसका नाम था 52 गज का दामन। इस सॉन्ग को रेणुका पंवार ने गाया था और ये सॉन्ग हरियाणवी इंडस्ट्री का सबसे सुपरहिट सॉन्ग रहा। और उसके बाद प्रांजल का हर सॉन्ग हिट हुआ, जिसमें से एक है BPI। और उसके बाद प्रांजल के कई सॉन्ग्स आए जो काफी हिट हुए। ये जानते हैं प्रांजल दहिया की सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के बारे में। तो इनके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ये व्लॉग्स और ट्रैवलिंग वीडियोस अपलोड करती है। इनके मैनेजर का नाम हु ललित है जो इनके व्लॉग्स में नजर आ जाता है। प्रांजल की पर्सनैलिटी काफी लोगों को पसंद आती है। ज्यादातर लोग प्रांजल की पर्सनैलिटी के फैन हैं और इसी के साथ प्रांजल एक एनिमल लवर है और ये वजह है जिससे प्रांजल एक वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और ये आज हरियाणा की टॉप मॉडल है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रांजल एक स्पोर्ट्स पर्सन थी जो पहले स्पोर्ट्स खेलती थी, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से इन्होंने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया और ये मॉडलिंग में ही अपने करियर को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तो ये खुद को सिंगल बताती है, लेकिन इनके फैंस इनका नाम को अमन जाजी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इस बात को प्रांजल ने पब्लिक नहीं किया, क्या पता ऐसा कुछ भी न हो। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा की टॉप मॉडल प्रांजल दहिया की पूरी लाइफ स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।